जिससे ज्यादा प्यार होता है उसी में आनंद होता है। तो इसलिए आत्मा जो है परम प्रेमास्पद है और परमानंद रूप है। तो जो उस परमात्मा को अपने हृदय में जान लेता है उसको अमृत मिलता है, और जो परमात्मा को अपने से बाहर देखता है उसको काल रूप से मृत्यु प्रदान करता है। वीर्याणि सर्व वीर्याणि, हाँ क्या वीर्याणि तस्या खिलोकमानम अंतर्वहिपुरुष काल रूप व्यस्त को मृत्यु मतामृतम पुनर् माया मनुष्य मदस्थ विध्वंस। महाराज नवम स्कंद में आपने बताया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, देवकी के भी पुत्र हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि देवकी से दूसरे देव के बिना कैसे संबंध उनका हो जाएगा, ये भी हमको बताइए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन ये सब तो हम सुना ही रहे, कुछ जलपान कर लो, कुछ खा पी लो। बोले महाराज निशादुरुस्तम चतुर्दमी बाधते विवंतम तुर्मुखम रोगस्थितम हरिकथामृतम। भगवान भूख बड़ी दुस्साह होती है, भूख सहना बहुत कठिन है, और मैंने तो पानी पीना भी छोड़ दिया है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है भूख कितनी कठिन होती है, कितनी दुस्तर होती है। इसका एक उदाहरण, जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए तो गांधारी उन 100 पुत्रों की जो राग थी उसको इकट्ठा करके विलाप कर रही थी। लोगों ने गांधारी से कहा कि अब गांधारी उठो, स्नान करके भोजन करो। बोले अब न मैं उठूंगी न भोजन करूंगी, जब मेरे बेटे मर गए तो काय का भोजन। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने कहा गांधारी उठो भोजन करो। कहा नहीं तो कृष्ण नहीं करूंगा। भगवान मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। भगवान की मुस्कुराहट में माया रहती, हासो जनोन प्रमोन माद करी तो माया। जनों के हृदय में उन्माद करने वाली माया ही भगवान का हास है। माया हास भाव जित पाया। भगवान के वहां से जाते ही गांधारी को बहुत जोरों की भूख लगी। इतनी भूख लगी कि उससे सहन नहीं हुआ, कुछ मिल जाए तो खा लो। आपकी पट्टी खोल के देखा, एक बेर का पेड़ लगा था, उसमें पके पके फल लगे थे, सोचा यही फल खा लो। तो गई उस पेड़ के पास, हाथ बढ़ाया लेकिन वो बहुत ऊपर था, फल ऊपर था, तो अपने बेटों की लाश खींच के लाई और उसके ऊपर चढ़ के बेल तोड़ने लगी। तो भगवान कृष्ण आ गए, उन्होंने कहा अरे गांधारी क्या कर रही हो। गांधारी क्या कहती है, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम घनघन जीवितम पुत्र शोकम महाकष्टम
कष्टा कष्टतर उठा हे वासुदेव, संसार में बुढ़ापा सबसे बड़ा कष्ट है। बुढ़ापा जब आ जाता है तो मनुष्य के लिए उसका शरीर ही भार हो जाता है। अंगम गरीबम पठितम मुंडम प्रसंगहीनम जातम सुवर्णम वृद्धो या निधित्व अखंडम तथा मुंशत चाचा पिंडम। अंग गरीब हो गए, बाल सफेद हो गए, मुंह में एक दांत नहीं बचा और दो पैर के तीन पैर हो गए, आशा अभी पैर नहीं पीछा नहीं छोड़ रही। ऐसी हालत हो जाती है कि बुढ़ापे में जब महिला काम धाम करने के योग्य रहती है, शरीर में शक्ति रहती है तो हर बात उससे पूछी जाती है, जब बुढ़िया हो जाती है तो कोई बातें नहीं पूछता, और अगर वो कोई बात स्वयं कहना चाहे तो उसी का बेटा कहता है मां तू तो तुम बढ़ाकर तू बोले बस, क्योंकि बेचारी बुढ़िया हो गई, अब नाम की नहीं रही। दुनिया इतनी स्वार्थी है कि जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो बड़ा आदर होता है, जो हाथ पैर चलना बंद हुआ उसे तो सबसे बड़ा कष्ट जो है जरा बुढ़ापा है, और दूसरा कष्ट निर्धन जीवन तो घर में धन न हो, अपने घर में पूछा नहीं मेहमान आ गए क्या खिलाए क्या पहनाए, कष्ट पूर्ण हो जाता है। एक गुरु थे, वो किसी शिष्य के यहां गए और शिष्य था बड़ा निर्धन, बेचारे के पास कुछ था नहीं, और गुरु महाराज पहुंच गए तो वो क्या करते, सोचा कि अब उनको तो खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो गुरु जी ही नए जूता धोबी पहन के गए थे, तो वो उतार के जब भीतर खुद रहे तो वो जूड़ा लेके बाजार चला गया और बेच के ले आया आटा दाल घी शक्कर और भोजन बनाया गुरु जी के लिए। गुरु जी ने देखा बहुत अच्छा भोजन बनाया, कहना बेटा बहुत अच्छा भोजन बनाया, कहा महाराज आपके चरणों का प्रताप। आपके चरणों का प्रताप वही कह सकती। गुरु जी ने सोचा कि तो बड़ा नम्र आदमी। उसके बाद जब वो जाने लगे तो जो पैसा बचा था तो चला लिया। बेटा बहुत अच्छा, कितनी दक्षिणा तो पहले तुम नहीं देते थे, आप ही के चरणों में बता नहीं कह सकती। जाते समय जो जूता खोलने लगे तो बेटा वो जूता कहाँ है, हमारे वही का तो मतलब।